हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट्स के लिए। आर्किटेक्ट मीन्स जो BIM का काम कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर भी हो सकते हैं वो और आर्किटेक्ट इंजीनियर भी हो सकते हैं। तो वीडियो इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप करियर में ग्रोथ कैसे पाओ। डिज़ाइनिंग सभी करते हैं बट डिज़ाइनिंग करते हुए उनकी जो सैलरी होती है केवल 10-20 में जा रही है, क्यों नहीं आगे जा रही है, उसका रीज़न क्या है, आप अच्छे डिज़ाइनर नहीं हो, इसका मेन रीज़न क्या है। इसका मेन रीज़न है आपके पास स्किल्स कैसी हैं और आपका थॉट कैसा है। थॉट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना थॉट के वोडाफोन नहीं बना, बिना थॉट के एयरटेल नहीं बना। थॉट ज़रूरी है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये आप तक मैं इस बात को शेयर करूं जिससे कि आप भी अपने लाइफ में थोड़े से थॉट ले आके अपने करियर की ग्रोथ को ले सके। तो कैसे थॉट और कैसे स्किल्स की ज़रूरत होती है एक आर्किटेक्चर और एक इंटीरियर डिज़ाइनर को। सबसे पहला थॉट ये है कि जो भी चीज़ बनाओ कोई इंटीरियर बनाया वो रियलिस्टिक दिखना चाहिए। उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि 3ds Max, मैंने भी थोड़े बहुत प्रयास किए थे वीडियो बनाने के और आगे भी बनाऊंगा अगर आपको लगेगा। 3ds Max जिसमें वीरे एक प्लगइन है जिसकी रेंडरिंग करना बहुत ज़रूरी है जिससे रियलिस्टिक व्यू आप चीज़ों की पा सको। तो अगर आपने अच्छे तरीके से 3ds Max और वीरे को सीखा है तो आपका बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आप जो भी व्यू बनाओगे वो रियलिस्टिक व्यू होगा। अभी चीज़ों को मैं देखता हूँ लोगों की डिज़ाइन पास नहीं होती। क्यों पास नहीं होती? क्योंकि रियल नहीं दिखेगा तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। दूसरी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी आप डिज़ाइन करते हो उसमें थीम सेट करो। आप बोलोगे सर थीम क्या होता है? हाँ जी, थीम ये होता है कि आप उसमें कुछ अलग तरीके का पेशेंस डालो, कुछ अलग तरीके की चीज़ें डालो। जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था वोडाफोन की जो डिज़ाइनिंग है, उनका जो इंटीरियर है, कभी उसको आपने ध्यान से देखा है? वो एक सिग्नेचर स्टेप है। क्यों? क्योंकि उसका थॉट अलग है। आप देखते होंगे जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं आजकल, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, वो इंडिया का मॉडल नहीं बनवा रही हैं। इंडिया का मॉडल आपको पता है ना, हमारे राजा महाराजाओं का मॉडल, जो आपने जयपुर वगैरह में देखने को अच्छे से मिल जाएगा, उदयपुर में देखने को मिल जाएगा। उस तरीके के थीम इंडिया में मत सेट करो। क्या कर रही है अच्छी कंपनियां? वो फॉरेन में डिज़ाइन करवा के, सिंगापुर में, मलेशिया में ड्राइंग करवा के उस ड्राइंग को यहाँ पे बनवा रहे हैं। उसका फ़ायदा क्या हो रहा है उनको कि वहाँ की थीम यहाँ बन रही है और लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। अगर हम डेली एक ही चीज़ को खाते हैं तो हम क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं। तो यहाँ के मॉडल को अगर आप बनाओगे तो यहाँ के लोग उस मॉडल से बोर हो जाएंगे बहुत जल्दी। पर अगर आप बाहर के मॉडल को इंडिया में बनवाओगे तो आप बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज एक लोगों को पसंद आएगा। अगर आप सिटीज एरिया में, अगर आप सिटी में किसी होटल का, किसी रेस्टोरेंट का डिज़ाइन कर रहे हो तो उसका जो थीम लो वो विलेज का थीम लो। क्यों? क्योंकि सिटी वाले बंदे को विलेज में रहना पसंद है और विलेज वाले रहने को सिटी में पसंद है। तो अगर तुम विलेज में इंटीरियर कर रहे हो तो सिटी का इंटीरियर विलेज में डालो। अब ये नहीं कि पूरा का पूरा डाल दो क्योंकि विलेज वालों को उतनी हैबिट नहीं होती, लेकिन आप कोशिश करो कि सिटी का थीम आप विलेज में दो तो उनको लगेगा हम सिटी में हैं। उनको उनका जो माइंडसेट होगा ना, उसमें उनको थोड़ा सा इंजॉय होगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप थीम सेट कर रहे हो तो जिस सिचुएशन में है उसे थोड़ा सा डिफरेंट करके दो। इंटीरियर डिज़ाइनर का मतलब समझते हैं आप? इंटीरियर डिज़ाइनर का मतलब होता है कि जो एक नॉर्मल इंसान नहीं सोच पा रहा है वो सोच के आप उस बिल्डिंग हाउस में दो, उस इंटीरियर ऑफिस में दो। अगर हम बात करें बिल्डिंग की, अब बिल्डिंग अगर आप एक नॉर्मल तरीके है, कोई एक प्लान किया, प्लान करके उसका बस वॉल खड़ा किया और डोर लगा दिया, तो इसको तो एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता था। आपको क्यों चूज़ किया गया उस काम के लिए? आपको क्यों चूज़ किया गया? जिससे आप कुछ अलग थॉट दे सको। तो अलग थॉट देने के लिए आप बाहर के डिज़ाइन को यहाँ पे इंपोर्ट करो, और यहाँ अगर बाहर का कोई काम आपने लिया है तो इंडिया के जो हमारे आर्किटेक्चर व्यूज़ हैं, जो डिफरेंट राजा महाराजा के व्यू, अगर आप इसको वहाँ पे देंगे बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि एक बार में आपकी डिज़ाइन पास होगी। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो भी काम करो, जो भी इंटीरियर या जो भी आर्किटेक्चर का काम करो, उसमें एक थीम सेट करो। आपका एक सिग्नेचर स्टेप दिखना चाहिए कि नहीं, इन्होंने ही बनाया है क्योंकि ये डिज़ाइन इस तरीके की है। तो होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसके साथ आप 3ds Max भी देखना, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आप हमारे ट्यूटोरियल कहीं पे भी 3ds Max सीखना
जेडस मैक्स नहीं सीखोगे तो आप अच्छे इंटीरियर डिजाइनर या अच्छे बीआईएम इंजीनियर या अच्छे आर्किटेक्ट नहीं बनोगे, क्योंकि लोगों को रियल चीज़ें पसंद है तो रियलिस्टिक व्यू केवल और केवल वही दे सकता है। सो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा, कैसा लगा ये आपको ये इन्फॉर्मेशन, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।